गाइस जूले राम राम। गाइस जो आज का व्लॉग है वो थोड़ा अलग होने वाला है क्योंकि आज हम दोनों कराने वाले हैं आपको हमारी यूनिवर्सिटी का टूर। तो गाइस मैं आपका स्वागत करती हूँ डॉक्टर ईश्वर सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री में। और हमारी यूनिवर्सिटी एशिया की सबसे पहली हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री की यूनिवर्सिटी है। तो चलिए शुरू करते हैं टूर। गाइस ये है हमारा मेन एंट्री गेट, तो अभी हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं। तो एंट्री करते ही सबसे पहले मिलेंगे आपको हमारे सिक्योरिटी वाले भैया। तो यहाँ पे मोस्टली वैसे आउटसाइडर्स का आना अलाउड नहीं है, पर जैसे आप किसी से मिलने आ रहे हैं या फिर आपको कुछ काम है तो यहाँ पे भैया और के पास रजिस्टर होता है, उसमें आपको बस अपनी गाड़ी का नंबर नोट करवाना होता है, अपना नाम और आप किस काम के लिए जा रहे हैं, एंड देन यू विल बी एबल टू एंटर हियर। जैसे ही हम मेन एंट्री गेट से एंटर करते हैं राइट साइड में हमें देखने को मिलता है हमारी यूनिवर्सिटी का रोज गार्डन। गाइस जैसे आपको सुमिता ने बताया कि हम जैसे ही एंटर करते हैं उसके राइट साइड में है ये सुंदर सा रोज़ गार्डन। गाइस इस गार्डन का नाम है डीआर ठाकुर रोज़ गार्डन। तो यहाँ पे थोड़े बहुत ही फ्लावर्स लगे हैं, बट जब फुल ब्लूम का टाइम होता है तो यहाँ पे मतलब बहुत ही सुंदर लगता है, वहाँ दूर से देखकर भी पता चल जाता है, बट अभी आपको बहुत कम देखने को मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ पे बहुत सारी रोज़ की वैराइटीज़ हैं। ये रोज़ गार्डन है जो हमने आपको दिखा दिया है, और इसी के ही अपोजिट साइड में है फ्लोरिकल्चर एक्सपेरिमेंटल फार्म। टॉपियरी लगी हुई है। गाइस ये है हमारे हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर श्री जगत सिंह नेगी जी, जो कि किन्नौर के ही हैं। और अभी हम यहीं से आए हैं, वो जो सामने दिख रहा है गेस्ट हाउस, आप वहाँ पहुँचोगे इस रास्ते से। वीरभद्र किसान भवन, जिसको अभी NGH न्यू गर्ल्स हॉस्टल बोलते हैं। शुरुआत में ना बड़ी गलत फहमी होती थी, मतलब पता नहीं चलता था कि कहाँ को है ये तो बहुत आगे है, फिर एंड में है ये जाकर। रास्ते पे सीधा सीधा जाते जाओ, जहाँ ये रास्ता एंड होगा वहीं वो गेस्ट हाउस है। हाँ, बहुत ही आगे जाकर। गाइस अब हम सीधे लेफ्ट साइड से होकर जा रहे हैं यूनिवर्सिटी की ओर। और सीधे जाकर थोड़ी ही दूरी पे है हमारा ग्राउंड। गाइस ये है हमारी यूनिवर्सिटी का बास्केटबॉल कोर्ट, ये मैं आपको ग्राउंड भी दिखाती हूँ, ग्राउंड के साथ ही, अभी तो मैं ऊपर से ही दिखा रही हूँ आपको। देखिए ग्राउंड जिसको हम के लिए रास्ता यहीं से आ गया है, और ये जो सामने आपको ये वाला रास्ता दिख रहा है ये NRI हॉस्टल के लिए है, NRI बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल। दे आर स्नैकिंग राइट नाउ ऑन जुए। गाइस ये है हमारी नॉन यूनिवर्सिटी के अंदर, जिनसे बचना बहुत मुश्किल है, खासकर लड़कियां बहुत ज़्यादा डरती हैं और ये अटैक भी करते हैं, खासकर जब हमने अपने हाथों में पैकेट्स में सामान लिया हो। तो जब भी आप यहाँ आएँ तो प्लीज़ ध्यान रखें कि बैग में ही सामान लेकर आएँ, क्योंकि ये लोग सीधे ही अटैक कर देते हैं, पता भी नहीं चलता इनका। बसेस भी आती हैं यहाँ पे, प्राइवेट बसेस आती हैं, वो यहाँ पे लगती हैं सारी की सारी। तो आप अगर कैंपस आना चाहो तो आप आ सकते हो, सोलन से यहाँ पे आती है बसेस सीधे डायरेक्ट। एरिया को बोलते हैं क्रांति चौक, और यहाँ पे जो आप मूर्ति देख रहे हैं वो है हमारे हिमाचल के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की, जिनके नाम पर ही इस यूनिवर्सिटी का नामकरण हुआ है। और डॉक्टर यशवंत सिंह जी को
हिमाचल का आर्किटेक्ट भी कहा जाता है। क्रांति चौक के बिल्कुल सामने ही है हमारी यूनिवर्सिटी का हेल्थ सेंटर। चौक के राइट हैंड साइड में आ जाता है हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और जब हम कॉम्प्लेक्स से आगे जाएंगे तो हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उन सभी के रेजिडेंसेस हैं, और उससे आगे फिर हमारे फील्ड्स शुरू हो जाते हैं। कीवी फार्म, उसके आगे वर्जिमन के भी फार्म है, ऑलिव्स के भी फार्म है, और एक हमारा मंदिर भी है। गाइस ये हमारा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे जो ऊपर वाले फ्लोर में SBI और यूको का बैंक है, और नीचे वाले फ्लोर में है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है और शॉप्स हैं यहाँ पे। गाइस हम अभी गए थे यहाँ पे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे फिर से हम आ चुके हैं क्रांति चौक। और सीधे ही जैसे हम शुरुआत में यहाँ से आए थे इस वाली सड़क से, सीधे सामने आके हम पहुँच जाते हैं लाइब्रेरी के सामने। पहले यहाँ पे होता था NCC ग्राउंड, जहाँ पे अब ओपन एयर थिएटर बन चुका है। आगे लेफ्ट साइड में है यहाँ पे पार्किंग, और ये देखिए पार्किंग, और ये वही रास्ता जहाँ से हम आए हैं, और ये सामने बिल्कुल हमारा लाइब्रेरी यूनिवर्सिटी। और गाइज ये जो यहाँ पे आपको दिखेगा मॉडल फार्म, सबसे पहले ये देखिए ये जिमनेजियम है, और इसके आगे बॉयज़ हॉस्टल है, और लास्ट में जाकर है मॉडल फार्म जो यहाँ पे लिखा है। यहाँ से हम आए हैं गाइस, ये बिल्कुल सामने देखिए हमारा सत्यानंद स्टोक्स लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के बिल्कुल सामने है हमारा ओपन एयर थिएटर। अभी भी यहाँ पे डांस हो रहा है, शायद तो दिखाते हैं आपको। प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे। हाँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी एक साल ही हुआ इसे बने हुए, इसे और हमारे गेट को बने हुए जो हमने आपको दिखा था पहले। पेंटिंग्स है सारी बच्चों ने की है, फ्री टाइम में आते हैं यहाँ पे और पेंटिंग्स करके जाते हैं जैसे अभी पेंटिंग्स। और अभी यहाँ पे इसका रफ स्केच बनाया है, कुछ टाइम बाद इसमें भी पेंट हो जाएगा। जैसे ही हम लाइब्रेरी से निकलते हैं सामने आ जाता है SW, तो हर समस्या का समाधान यहाँ होता है, चाहे वो हॉस्टल से रिलेटेड हो, चाहे वो मेस से रिलेटेड हो। और अब हम आपको दिखाते हैं हमारा कॉलेज, कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, और उसके साथ एक और चीज़ रहती है क्या, हमारा ऑडिटोरियम। हाँ वो तो मेन चीज़ है, और SW के बिल्कुल साइड में है स्टूडेंट कैफेटेरिया, तो काफ़ी ऑप्शंस है यहाँ पे खाने के लिए। और गाइस ये है हमारा गार्डन है, नीचे एवियरी भी है इधर इस तरफ लेफ्ट साइड में, और ये जो बड़े बड़े आपको ये देखिए एवियरी लिखा भी है वहाँ पे, और ये जो आपको व्हाइट कलर के बड़े बड़े फ्लावर्स दिख रहे हैं, ये है धतूरा, व्हाइट धतूरा है हमारा हॉर्टिकल्चर कॉलेज। तो गाइस दिखाते हैं हम आपको अच्छे से,
हमारे हॉर्टिकल्चर के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट की अपनी एक बिल्डिंग है। यहाँ पे जो सबसे पहली बिल्डिंग है वो है फ्लोरिकल्चर की। वो जो ऑफिस दिख रहा है सामने वो है हमारे डीन सर का ऑफिस। गाइस कभी अगर आप यहाँ आने वाले हों तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन होती है जब फर्स्ट टाइम आते हैं यहाँ पे, तो पता नहीं चलता कि कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ पे है। यहाँ पे है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री और ये था कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर जहाँ पे हम अभी गए थे पहले। और ये देखिए, ये है हमारा ऑडिटोरियम। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री। यहाँ पे भी हमारी कुछ कुछ क्लासेस लगती है। गाइज हमने पूरा जो कॉलेज है मेन वो हमने कवर कर दिया है। अब चलते हैं अपने मेस की ओर, कॉमन मेस की ओर और हॉस्टल की ओर। या हमने अभी किसान भवन की बात की थी पीछे, वो किसान भवन, हाँ उसे हम न्यू गर्ल्स हॉस्टल भी कहते हैं। ये हमारा वॉशिंग सेंटर है बसेस के लिए। गाइज ये है हमारी कॉमन मेस जो कि सोलर ऑपरेटेड है। ये सारे सोलर मेस की चीजें, फ्लेमलेस से इन्हीं बर्तनों में हमारे हॉस्टल में खाना आता है। जो जो भी हॉस्टल्स है उसका नाम लिखा है और हॉस्टल वाइज खाना आता है शाम को और दिन को। ब्रेकफास्ट हॉस्टल में ही बनता है। और गाइज ये है पीएचडी का हॉस्टल और इसके आगे है न्यू गर्ल्स हॉस्टल। गाइज उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।